हाय हाय मेरा नाम है संचित और आप दिख रही है टेक बार मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूं ये है मोटोरोला मोटो जी थर्टी वन इन दिनों में तेरह हजार रुपए में बहुत सारे लोग इस फोन को रिकमेंड कर रहे हैं तो हमने जो है ऑब्वियसली बहुत दिनों से हम भी यूज करते हैं इस फोन को मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आऊंगा और आप लोग को फैक्ट्स आगे रखूंगा उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पर ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोज है जो कि बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइड्स आ रही है और मैंने जब इस फोन को यूज किया तो वह एक्सट्रीमली नेगेटिव साइड आ रही है और मुझे फिर से वही हो जाएगा यार कि अकेला मैं अगर बुराई करूंगा तो फिर ऐसे हो जाएगा कि भाई शायद ये झूठ बोल रहा है बट मैं ये बता सकता हूं मैं अपनी साइड रखना 100% परसेंट चाहूंगा कि मैंने क्या क्या फेस किया है इस फोन में तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके मैं आप लोग के आगे बात रखना चाहता हूं तो स्टार्ट करते एक सबसे मेजर पॉइंट से जो कि रेडमी टेन प्राइम इसके कॉम्पिटिशन है सेम प्राइस के आसपास ही आता है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि स्पीड टेस्ट माफ कर देते हैं तेरह हजार रुपए का फोन है बजट है कोई नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी ऐप खोलता हूं जैसे फोन हो हो इससे बेसिक एप और क्या होंगी इनका एक बार लोडिंग टाइम देखो कितना इरिटेटिंग पार्ट लगा कि यूज करने में काफी डिफिकल्टी फेस होने लगी इनफैक्ट मैंने जो है टेस्टिंग के लिए यहां पर इंस्टॉल किया था

ज़्यादा एप्स नहीं है इसके अंदर इंस्टॉल वेर नहीं है। इससे अच्छा तो चलो रेडमी 10 प्राइम में ये था कि, MIUI है उनकी, वालों की। तो उसको लाइट कर दिया फोन में खुल रही है बाकी वीडियो में और मेरी वीडियोज में मेरे समझ से पता एक ही चीज है कि ब्रांड क्यों दे रहे हैं तेरह हजार रुपए में ईडब्ल्यू स्टोरेज और सिर्फ मोटरला की प्रॉब्लम नहीं है रेडमी की भी प्रॉब्लम है ऐसे अगर इतने ज्यादा प्राइस सेगमेंट में भी आप ई

इनडोर आउटडोर लो लाइट तो बिल्कुल ही भूल जाओ तो ये एक ह्यूज प्रॉब्लम बन जाती है तो अभी तक जो है ये फोन दो मेजर डिपार्टमेंट में ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट लेके जाता है एक परफॉर्मेंस और एक कैमरा तो ये तो सबसे मेजर पॉइंट ही होता है काफी सारे मिलेनियल्स या फिर जेनजी के लिए भी जो कि मतलब इस को की है। पिछले साल के इनके फोन को खरीदेंगे स्क्रैच आते थे प्लस वो बहुत मोटे होते थे दो में एटलीस्ट इन लोगों ने ये चीज तो इंप्रूव की है मैं इस फोन को बिल्कुल ही मोटा नहीं बताना चाहूंगा हल्का भी है और काफी ज्यादा स्क्रैचेस को लाइके रेसिस्ट कर जाता है मतलब कि मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं इतने दिनों से फिर भी पे कुछ सच खास क्रेचेज नहीं आए हैं तो ये एक अच्छी बात है बट फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा डिजाइन डिपार्टमेंट में लोगों ने यहां पर भी एक डिसपोइमेंट दी है कि इसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन नहीं है

बहुत सारा काम करना है अगर उनको मार्केट में कहीं पे अपनी एक वैल्यू क्रिएट करनी है तो अब मैं शौक हूं कि अभी मैं चेक कर रहा था ये फोन आउट ऑफ स्टॉक गया है फिर से दोबारा स्टॉक में आएगा तो भाई साहब लोग इसको खरीद रहे हैं तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि ये पैकेज इतना अच्छा नहीं है अगर पॉसिबल हो पांच सौ और डालो और रियलमी नार्जो थर्टी खरीदो मच बेटर पैकेज है वो मैं ये खुलकर आप लोग को बता सकता हूं इस फोन को अवॉइड कर सको तो कर लेना या फिर सिर्फ एक एमलेट डिस्प्ले है या फिर स्टॉक एंड्रॉइड जो कितना फास्ट नहीं करता जो कि इसको रिकमेंड करने की चीज है बस और कुछ नहीं है इस फ़ोन के अंदर। पर वीडियो ख़त्म हो जाती है। आप लोग बताना क्या सोचते हो इस फोन के बारे में क्या मेरे ओपिनियन से लाइक मैच करते हो या नहीं बाकी और ऐसी तो हमारे लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई बाईस